क्या बीसीसीआई में कुछ फेवरेटिज्म होता है? क्या किसी भी सीरीज के हारने के बाद इंडियन टीम की हार का ठीकरा किसी ऐसे खिलाड़ी पर डाला जाता है जिसके की फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है? जी हाँ, यही सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब सुनील गावस्कर ने दिया है अपने एक थोड़े से कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू में जो उन्होंने स्पोर्ट्स तक को दिया। ये 23 जून की बात है जब उनका ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इंटरव्यूअर ने तो शुरुआत ही थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल कर दी इस इंटरव्यू की, कि जब उन्होंने ये कहा कि पुजारा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, मोहम्मद शामी को रेस्ट कर दिया गया है और जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो अब इन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ अपना डिसीजन भी दे दिया। अब हालांकि इनको किसने बताया कि पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया है और मोहम्मद शामी को रेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि उस टाइम तक बीसीसीआई का कोई भी क्लेरिफिकेशन इस बारे में नहीं था, बीसीसीआई का कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन सुनील गावस्कर ने बहुत ही सेंसिबली इस बात का जवाब ये दिया कि देखिए, एक बार जब टीम सेलेक्ट हो जाती है और डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद हमारा फर्ज यह है कि हम वो टीम को सपोर्ट करें। और ये बात सही भी है, क्योंकि देखिए, एक्स प्लेयर्स अगर क्रिटिसिज्म करते हैं डिक्लेयर टीम के ऊपर तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन प्लेयर्स के ऊपर जो कि टीम में सेलेक्ट हुए हैं, और खासतौर पर वो प्लेयर्स जो कि टीम में इंडक्ट हुए हैं। तो ये बात सुनील गावस्कर की बिल्कुल सही है। देखिए, हम जैसे जो आम लोग, इनके क्रिटिसिज्म से या कुछ भी प्रेज करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा वो प्रिवेलेंट है कि इसकी वजह से तो हर कोई कुछ भी ट्रोल करने पे आ जाता है या कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो सोशल मीडिया पे व्यक्त कर देता है। लेकिन फर्क पड़ता है जब एक्स प्लेयर्स और खासतौर पे जो अच्छे प्लेयर्स रहे हैं वो जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। सुनील गावस्कर ने अपना सबसे बड़ा रिजर्वेशन जो व्यक्त किया वो ये था कि देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम कोई बहुत स्ट्रांग टीम नहीं है, और आपके पास ये बहुत अच्छा मौका था कि जब आप अपने यंग प्लेयर्स को जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं आप उनको मौका दे सकते थे। लेकिन उनका रिजर्वेशन ये था कि आपने सिर्फ पुजारा को ही क्यों निकाला, और पुजारा का क्यों ही क्यों निकाला, हालांकि उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी चुटकी भी ली, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही सहमत हूं, क्योंकि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनको भी रेस्ट दे देना चाहिए था, क्योंकि देखिए, ये 50 ओवर वर्ल्ड कप जो अभी अक्टूबर में आने वाला है उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। रोहित शर्मा या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, हालांकि वो तो अभी कोई है ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी या बीसीसीआई कुछ भी कहे कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन देखिए, अभी आपके पास 100 दिन भी नहीं बाकी है, और इस टाइम तो आपकी वर्ल्ड कप में जो खेलने वाली टीम है उसके 15 ही नहीं बल्कि 11 भी फिक्स होने चाहिए, और उनको मेंटली बिल्कुल मेकअप करने का टाइम मिलना चाहिए कि अब हमको 5 अक्टूबर को या 6 अक्टूबर को, जब भी इनका मैच है, 8 अक्टूबर को है शायद, उस दिन हमको मैच खेलने जाना है, और उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 10 साल से जो इंडियन टीम की आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन की भी जरूरत है और फिजिकल रेस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए सुनील गावस्कर का कहना था कि ये जब पिछले सितंबर से लगातार खेल रहे हैं तो इनको अभी क्यों नहीं रेस्ट दे दिया गया, कम से कम टेस्ट मैचेस के लिए ही रेस्ट दे देते, उसके बाद ये जो वनडे और टी20 होने वाले हैं उसमें आप उनको भेज देते, और तब तक आपके पास ये होता कि टेस्ट मैचेस में आपको 4-5 यंग प्लेयर्स जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं या टेस्ट टीम में दस्तक दे रहे हैं उनको आप टीम में ले सकते थे और उनकी परफॉर्मेंस जज कर सकते थे, और आपके पास सीरीज हारने का भी बहुत बड़ा खतरा नहीं था। वो वेस्ट इंडीज टीम जो अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेल रही है और उसमें भी स्ट्रगल कर रही है, उससे आपको क्या डर था, उनको तो आपकी ए टीम भी हरा के आ सकती है। लेकिन ये बीसीसीआई की बहुत बड़ी गलती है, सुनील गावस्कर ने यही कहा। फिर उसके बाद पुजारा को क्यों ड्रॉप किया गया और इसमें इतना बड़ा सरप्राइज है, तब उन्होंने थोड़ी सी चुटकी जो ली है वो ये है कि देखिए, पुजारा के बहुत बड़े कोई फॉलोअर्स नहीं है, बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पे, और मेरे ख्याल से उनका इशारा बिल्कुल विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ था, कि ऑब्वियसली रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर रेस्ट कर दिया जाता तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हल्ला मच जाता कि इनको क्यों रेस्ट कर दिया गया और इनको क्यों निकाल दिया गया, और बीसीसीआई के सामने हाय हाय और काले झंडे और वो सब का डर मुझे लगता है कि बीसीसीआई को है, जबकि होना नहीं चाहिए। वो क्लेरिफाई कर सकते थे बिल्कुल, और इन प्लेयर्स को बता के भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हाँ, ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये खुद भी वेस्ट इंडीज का टेस्ट दौरा मिस नहीं करना चाहते थे। मुझे यहां लगता है कि ये हमारा पड़ोसी भिखारिस्तान जो देश है ना, उसकी जो मेंटेलिटी है वही हमारे टेस्ट प्लेयर्स में भी आ गई है,
कि साल भर तो इनसे रन बने नहीं अच्छी टीमों के अगेंस्ट, तो अब मौका है वेस्ट इंडीज में जाके अपने अपने एवरेज सही कर लो और अपने अपने रन बना लो। पाकिस्तान बिल्कुल यही करता है कि उसके जो भी टॉप प्लेयर्स हैं वो हमेशा खेलते हैं मैचेस में, चाहे वो मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो इस तरह की मेंटेलिटी इंडियन क्रिकेट के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए ये चार प्लेयर्स जो हैं सीनियर प्लेयर्स, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये अब कोई बहुत ज्यादा टाइम तक खेलने वाले नहीं है। मैंने मान लिया कि विराट कोहली हो सकता है कि अगले 4-5 साल खेल ले, लेकिन बाकी तीन का क्या, इनका रिप्लेसमेंट तो ढूंढना जरूरी है। और जब आप वेस्ट इंडीज दौरे में नहीं ढूंढेंगे तो फिर कब ढूंढेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी को चांस देंगे क्या? नहीं दे सकते आप। सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि आप देखिए 4-4 ओपनिंग बैट्समैन लेके जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के दौरे पे, क्योंकि आपने अनाउंस किया है ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, तो अब आप क्या किसको खिलाएंगे? अब पुजारा को ही आपने रेस्ट दिया है, बाकी टीम तो वैसी ही है, तो अब इसमें क्या हो सकता है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपने जो दो बैट्समैन खिलाए हैं, नए इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें से सिर्फ आप एक ही को खिला सकते हैं, क्योंकि बाकी आपने किसी को तो रेस्ट दिया नहीं है। तो आप रेस्ट देना भी नहीं चाहते हैं, और 50 ओवर वर्ल्ड कप की ऑलमोस्ट सारी टीम आपकी ये टेस्ट मैच खेल रही है। मैं एक चीज कहता हूं यहाँ, ये मेरा ओपिनियन है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर इस टाइम जो इंडियन टीम के लिए है वो है रविंद्र जडेजा। वो अभी भी बहुत बड़ी इंजरी के ले ऑफ से आया है, आप ये टेस्ट मैचेस उसको खिला रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता रविंद्र जडेजा को इंजरी हो गई और वो टीम से बाहर हो गया तो इंडियन टीम को बहुत बड़ा डेंट लगेगा। वैसे भी ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें ये तो एक मजाक होने वाला है, क्योंकि ये मैचेस टॉस ऑफ द कॉइन पे डिसाइड होने वाले हैं, क्योंकि ड्यू का इतना ज्यादा उसमें इफेक्ट रहने वाला है इन मैचेस में, जिस सीजन में खासतौर पे ये वर्ल्ड कप होने वाला है। यहां तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, और हमारे रोहित शर्मा, इनको तो बहाने बनाने की आदत पड़ गई है, ये कोई भी मैच जीतने के, या जीतना तो छोड़ दीजिए, कोई भी मैच हारने के बाद आप इससे सुनिए मैच की कमेंट्री। मुझे सबसे बड़ी शिकायत रोहित शर्मा से ये है कि वो जब मैच हारता है तो प्रेजेंटेशन में आके हमको ये बताता है कि मैच में क्या हुआ। अरे मैच में क्या हुआ हमको नहीं सुनना है, आप ये बताइए कि क्यों हुआ। लेकिन वो तो रोहित शर्मा को शायद मालूम ही नहीं है। इसी वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत ज्यादा, रोहित शर्मा कैप्टेंसी इज लीविंग अ लॉट टू बी डिजायर्ड। अच्छा, सुनील गावस्कर ने जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए चुटकी ली है कि सोशल मीडिया पे चूंकि पुजारा के बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है इस वजह से हल्ला नहीं मचेगा, तो इसको चुपचाप निकाल दो, ही कैन बी मेड एन एस्केप गोट फॉर दिस डिफीट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट भी कह सकते हैं लोग, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए ये शुरुआत विराट कोहली और उसकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने ही की है। आप लोगों को याद होगा 2-3 साल पहले की बात है, जब एक बार विराट कोहली का कंटिन्यूअस बैट पैच चल रहा था तो कमेंट्री करते हुए सुनील गावस्कर ने एक बार ये मजाक किया था कि विराट कोहली को ये प्रॉब्लम आ रही है बैटिंग करने में, लगता है कि कोरोना के दौरान घर पे प्रैक्टिस में अनुष्का ने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की है। तो देखिए इसको अगर स्पोर्टिंगली लिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई खराब रिमार्क नहीं था, इट वॉज जस्ट अ जोक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अनुष्का शर्मा ने आके और सोशल मीडिया पे जो गंदगी पेश की है और उल्टी सीधी बातें की सुनील गावस्कर के लिए, वो अनुष्का शर्मा को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अनुष्का शर्मा अब इतनी अकल हो तो कोई करे ना। मुझे तो ये लगता है कि इन लोगों ने ये स्पोर्टिंगली लिया नहीं और उसके बाद से ये शुरू हो गया। अब सुनील गावस्कर तो सोशल मीडिया पे है नहीं, ना उनका ट्विटर अकाउंट है ना कुछ और है, तो अब वो तो बेचारे जवाब दे नहीं सकते, या वो इस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं कि अब मुझे क्या करना है जवाब देके, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। और ये बात एक फैक्ट है, देखिए आज विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो क्रेज है, अपने जमाने में सुनील गावस्कर का इनसे भी ज्यादा क्रेज था, और वो उस टाइम था जब ना तो कोई सोशल मीडिया था, इवन टेलीविजन भी नहीं था, रेडियो पे कॉमेंट्री सुनते हुए लोग बाग गावस्कर की बैटिंग के दीवाने थे, और गावस्कर की परफॉर्मेंस भी है। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सुनील गावस्कर की परफॉर्मेंस के बारे में मैं बताऊं। मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ सुनील गावस्कर, मतलब वेस्ट इंडीज की टीम जो कि अपने टाइम में बिल्कुल प्राइम में थी और वो उसने लेफ्ट एंड राइट सारी टीमों को धो के रखा हुआ था, उसके सामने सिर्फ एक सुनील गावस्कर ही टिके रहते थे, जिसकी वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस उस टाइम की वेस्ट इंडीज के सामने सबसे अच्छी थी। ये बात रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी सोच भी नहीं सकते, इनको तो अपना ऑफ स्टंप ही नहीं मालूम है।
सुनील गावस्कर ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि वर्ल्ड कप में जो सर्टनली आपकी टीम खेलने वाली है, जो प्लेयर्स हैं, जैसे चार पांच प्लेयर्स बिल्कुल सर्टन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, ये सारे लोग तो कम से कम सर्टन है वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, तो आप इनको तो रेस्ट दे दो कम से कम, और इनकी जगह आप जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं आप उनको खिला सकते थे, लेकिन आपने वो मौका गंवा दिया। और सबसे बड़ी बात, आपने ये रिस्क भी लिया कि अब इन प्लेयर्स को भी इंजरी का चांस हो सकता है वर्ल्ड कप के पहले, और अगर कहीं हो गया तो हमारे तो चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अब आप वैसे भी अक्षर पटेल को टेस्ट मैच में खिलाने के लिए आप स्पॉट बना नहीं पाते हैं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका था कि आप रविंद्र जडेजा को रेस्ट दे देते और आप अक्षर पटेल को खिला देते। जब सुनील गावस्कर से पूछा गया कि भाई ये जो रणजी ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस आ रही है प्लेयर्स की तरफ से, जैसे अभिमन्यु ईश्वरन है या सरफराज खान है, तो इनको टीम में क्यों नहीं लिया गया, तो उन्होंने जो बात कही मैं उस बात से थोड़ा सा अग्री नहीं करता हूं। सुनील गावस्कर ने ये कहा कि चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी या फिर बीसीसीआई को उन प्लेयर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कॉल करके कि आपको क्यों नहीं लिया गया टीम से और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा करते हैं, वो प्लेयर जिसको टीम में नहीं लेते हैं उसको बताते हैं कि आपको क्यों नहीं लिया गया है या आपको यहां इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुनील गावस्कर ये कैसे सर्टन हो सकते हैं कि बीसीसीआई ने या सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा नहीं किया है, हो सकता है कि किया हो, तो इस बारे में थोड़े स्पेक्युलेशंस लगाए जा सकते हैं कि ये हो सकता है कि सुनील गावस्कर को मालूम नहीं है, या हो सकता है कि बीसीसीआई ने वाकई ना किया हो। लेकिन सीधा सीधा देखिए, अभी ये जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ऐसा हमारी कंट्री में बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी भी परफॉर्म करना नहीं छोड़ा। हालांकि अभिमन्यु ईश्वरन के साथ थोड़ा सा वाकई गलत हुआ है, जब दो साल पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो पहला हुआ था उसका जो फाइनल हुआ था उसमें अभिमन्यु ईश्वरन टीम में था और ही वॉज मोस्ट लाइकली टू प्ले इन द फाइनल, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो मयंक अग्रवाल जो इंजरी हो गई उसको, उसके बाद केएल राहुल टीम में आ गया और अभिमन्यु ईश्वरन को बिल्कुल टीम से निकाल ही दिया गया, जबकि उसको निकाला नहीं जाना चाहिए था। ये इंडियन क्रिकेट में बहुत बार कई प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है कि जो कि सिलेक्ट हुए और वो टूर पे पूरे टीम के साथ रहे, उनको एक भी मैच खेलने को नहीं मिला और अगली बार जब टीम डिक्लेयर हुई तो उसमें उनका नाम ही नहीं था, और ये बहुत ज्यादा बार कुलदीप यादव के साथ हुआ है, तो ऐसा होता आया है और ये वाकई बहुत गलत है। अच्छा, यहां पे इंटरव्यूअर ने भी थोड़ा सा अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की, जब उसने ये कहा कि अपने अजिंक्य रहाणे को सिर्फ एक टेस्ट मैच जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें परफॉर्मेंस की बदौलत उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया। अब क्वेश्चन पूछने वाले को भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो किसके बारे में क्या रिमार्क दे रहा है। अजिंक्य रहाणे कोई नया प्लेयर नहीं है, उसने पहला टेस्ट मैच नहीं खेला था जिसमें उसने रन बनाए हैं, उसकी प्रूवन परफॉर्मेंस है। पिछले 10 सालों में अगर किसी भी बैट्समैन की ओवरसीज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो अजिंक्य रहाणे है, और उसने तो आपको वो ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल जो घायल खिलाड़ियों से भरी हुई टीम थी उसको वो चैंपियन बना के लाया था वहां से, आप ये कैसे भूल सकते हो। और अजिंक्य रहाणे इज नॉट एनी टॉम डिक और हैरी जिसको आप इस तरह से डिस्कार्ड कर दें। मैं तो पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि अजिंक्य रहाणे इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर कैप्टेंसी ऑफ इंडिया राइट नाउ। इवन रोहित शर्मा शुड हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड कैप्टन व्हेन अजिंक्य रहाणे वाज प्रेजेंट। तो ये तो बहुत गलत डिसीजन था उनका, और अभी तो धीरे धीरे इनको पता चलेगा कि ये जिस तरह की ब्लंडर्स करनी इसने शुरू की है वो अभी आपको वर्ल्ड कप में भी पता चलने वाला है, और इसीलिए मैं कहता हूं वर्ल्ड कप से ज्यादा उम्मीद आप लोग मत रखिए, क्योंकि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बहुत ब्लंडर मारने वाला है और बाद में मैच हारने के बाद ही आपको मैच की कॉमेंट्री ही सुनाएगा, और सबसे बड़ा बहाना तो इसके पास अब ये है कि ड्यू थी तो हम हार गए। खैर, देखेंगे वो वर्ल्ड कप में क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे सुनील गावस्कर ने भी क्वेश्चन करने वाले का सपोर्ट किया, और उन्होंने तो यहां तक ये कहा कि भाई पुजारा ये अपने अजिंक्य रहाणे की जगह किसी नए प्लेयर को वाइस कैप्टन बना देना चाहिए था, और उसमें उन्होंने दो नाम लिए, शुभमन गिल और अक्षर पटेल। अब देखिए, शुभमन गिल तो एक ऐसा प्लेयर है जो कि वाकई टेस्ट टीम में अभी धीरे धीरे उसकी प्लेस पक्की हो गई है और अब वो आगे खेलने वाला है, भगवान ना करे कुछ इंजरी हो जाए, अदरवाइज वो तो अब 10-12 साल के लिए टीम में है और वो पोटेंशियल कैप्टन दिखता भी है। लेकिन अक्षर पटेल की जो बात उन्होंने कही, अब वो ये भूल गए कि अभी अक्षर पटेल तो बेचारा 11 में ही अपनी जगह नहीं बना पाता है, उसको वाइस कैप्टन बना दिया इसका मतलब यह है कि उसकी जगह आपने पक्की कर दी, तो आप निकालेंगे किसको। फिर वही
समीकरण गड़बड़ हो जाता है कि फिर वो अगर अक्षर पटेल पक्का हो गया टीम में तो फिर अश्विन और जडेजा में से कौन खेलेगा, और फिर अगर अश्विन को नहीं खिलाएंगे तो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाएंगे। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। दूसरी बात, सुनील गावस्कर एक चीज भूल गए, ये मैं अपने एक पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि इंडियन टीम का कैप्टन कभी भी वो प्लेयर नहीं बनेगा जो अंग्रेजी ठीक से ना बोल सकता हो। ये बात सुनने में बहुत कड़वी लगती है लेकिन ये फैक्ट है, इंडियन टीम की हिस्ट्री है। जब से इंडियन टीम ने खेलना शुरू किया है तब से कपिल देव के अलावा कोई भी कैप्टन इंडिया का ऐसा नहीं हुआ है जिसको अंग्रेजी बोलनी ना आती हो, और इसी वजह से ना तो रविंद्र जडेजा ना अक्षर पटेल ये कभी भी कैप्टन नहीं बन सकते, ये कभी नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने अपनी अंग्रेजी इंप्रूव नहीं की है। और यही रीजन है शायद कि हरभजन और वीरेंद्र सहवाग भी कभी नहीं बन पाए, हालांकि ये प्लेयर्स बहुत बड़े थे, लेकिन ये कभी नहीं होगा क्योंकि यहां पे मैं इस बात में थोड़ा सा देखिए ये एक कड़वी सच्चाई है, हम अपने कैप्टन को ऐसा देखना चाहते हैं क्या? आप बताइए, आपको बाबर आजम देखने में अच्छा लगता है जब वो मैच के बाद वो प्रेजेंटेशन में आता है? खैर वो जो बकवास करता है वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन इन लोगों को देखिए, वहां कैप्टन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री, ही हैज गॉट टू हैव सम काइंड ऑफ अ डेमिनर जिसमें कि लगे कि हाँ ये आपकी टीम का लीडर है, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता जिसको बोलना ना आता हो। एक देखिए, कैप्टन के लिए रीजनिंग, लॉजिक और गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वन हैज टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये तो दो रीजंस हैं, एक तो अंग्रेजी ना बोल पाना, दूसरी बात ये जो अपनी टीम में खुद ही जगह पक्की नहीं है अक्षर पटेल की, तो उसको कैसे वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया सुनील गावस्कर से कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर अभी ये दूसरा डिक्लेयर होने वाला है, या हो सकता है कि चेयरमैन जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी नए प्लेयर्स आने वाले हैं या नए मेंबर्स आने वाले हैं, तो आपका क्या व्यू है? तो उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी जो है वो कोई वजनदार प्लेयर होना चाहिए, और सिलेक्टर्स भी इस तरह के होने चाहिए जिनको भले उनका बड़ा नाम नहीं हो लेकिन उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला हो, जिससे थोड़ा सा कुछ वो अपनी अथॉरिटी के साथ प्लेयर से बात कर सके या किसी कैप्टन से बात कर सके। तो अब एक बात मुझे ये बताइए, यहां पे एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप पैसे कितने देते हैं। अब मैं तो देखिए, मुझे ऐसा पता चला है कि बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है उसको 125,000,000 रुपए मिलते हैं। अब 125,000,000 रुपए में मैं सुनील गावस्कर से ही ये क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बनेंगे क्या चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी? 125,000,000 रुपए मिलेंगे आपको, और उसके अलावा आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो कॉमेंट्री और ना कुछ कंसल्टेशन और कुछ भी नहीं जो भी आप करते हैं। तो फिर बताइए आप, जब सुनील गावस्कर खुद ही तैयार नहीं होंगे इस बात के लिए, तो वो किसी और अपने स्टेचर के प्लेयर को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी बन जाए? अब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को ही जब 125,000,000 रुपए मिलते हैं तो सिलेक्टर्स को कितने मिलते होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ऐसे में कोई भी प्लेयर जो कि एक एक ऐड करने के 50,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए ले लेते हैं, अब ये सिलेक्टर या चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी क्यों बनना चाहेगा? इनके पास पैसे कमाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको क्रिकेट की इतनी ज्यादा चिंता है तो आप बीसीसीआई को कहें कि ठीक है मैं करने को तैयार हूं, फिर आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं उनसे आप अपने स्टेचर के हिसाब से। अब जैसे जीआर विश्वनाथ हैं, सैयद किरमानी हैं, कपिल देव हैं, ये लोग आगे आके बोले कि ठीक है हम सिलेक्शन कमेटी में आने के लिए तैयार हैं, तो और इन लोगों के पास इतना पैसा है, ये बोल दें कि भाई ठीक है हम ऑनररी ही करने के लिए तैयार हैं, हमको बाकी कुछ अपना जो अपना असाइनमेंट है वो करने के लिए हमें अनुमति दी जाए, कुछ एक नेगोशिएशन इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन ये बात खुद ही प्लेयर्स को आगे बढ़ के करनी पड़ेगी, बीसीसीआई कभी नहीं करेगा। बीसीसीआई मुझे लगता है वो उसको पॉलिटिक्स से ही फुर्सत नहीं है। सुनील गावस्कर ने एक हालांकि बात बहुत अच्छी कही, जो उन्होंने कहा कि आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करते हैं कैप्टन की, कोच की और सपोर्ट स्टाफ की। जैसे ये जो मैंने कई बार ये बात कही है कि मैच हारने के बाद रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ये लोग जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं या प्रेजेंटेशन में आते हैं तो हमें मैच की कमेंट्री सुनाने लगते हैं, तो वो तो हमको वैसे भी खुद भी पता है। इसके ऊपर तो मेरा बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है कि ये मत बताओ कि मैच में क्या हुआ, आपने क्या किया, क्यों किया। अब जैसे ट्रेविस हेड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इन्होंने 80 रन जब वो स्कोर कर चुका था उसके बाद इन्होंने बाउंसर मारने शुरू किए, आपको क्या मालूम नहीं था?
कि बाउंसर उसकी वीकनेस है, राहुल द्रविड़ खुद इंजीनियर होके लैपटॉप लेके बैठा रहता है, या उसके पास एक बिल्कुल क्रिकेट का एनालिस्ट है, वीडियोग्राफर है, वीडियो एनालिस्ट है, सब कुछ है, तो आप या तो ये कहें कि आपको मालूम ही नहीं थी ये बात, तो वो सबसे पहले तो एनालिस्ट को निकाल के बाहर करो आप अपनी टीम से, वो क्या कर रहा है, और अगर उसने बताया है तो फिर सबसे पहले आप अपना इस्तीफा दे दो। ये सिलेक्शन कमेटी को और बीसीसीआई को पूछना चाहिए कोच से और कप्तान से, और इंडिविजुअली सारे सपोर्ट स्टाफ का सीक्रेट इंटरव्यू भी लेना चाहिए कि क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला और उन्होंने क्या किया। देखिए थोड़ा सा स्क्रूज टाइट करने की जरूरत है, या नोबडी कैन टेक इंडियन टीम टू बी हिज कप ऑफ टी, कि मैं जो मर्जी आएगी वो करूंगा और मुझसे तो सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है। और मुझे लगता है ऐसा है कि सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा है कि सेलेक्टर्स और बीसीसीआई की हिम्मत ही नहीं है कि रोहित शर्मा से कॉलर पकड़ के बात करें कि ये तुमने गलती क्यों की, और ऐसी ब्लंडर्स वो कई बार करता चला आ रहा है। अश्विन को नहीं खिलाना, इसके पीछे क्या रीजन? मैच के पहले दो तीन दिन से ही कंटिन्यूअसली कई चैनल से बात कर रहे थे कि रोज सुबह आधा घंटा या एक घंटा बादल रहते हैं और उसके बाद धूप आ जाती है, तो क्या रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को यह बात नहीं मालूम थी? रिकी पॉन्टिंग ने तो बड़ा जबरदस्त मजाक भी उड़ा दिया था इंडियन टीम का कि भाई आप मैच के पहले आधे घंटे या एक घंटे के लिए टीम सेलेक्ट नहीं करते हो, आप मैच के पांच दिन के लिए टीम सेलेक्ट करते हो। मतलब सीधा सीधा ये था कि आपने अश्विन को नहीं खिलाया, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपको मालूम ही नहीं था कि मैच में वेदर फोरकास्ट क्या है, कब धूप आने वाली है और कब नहीं आने वाली है। चलिए ये तो था एक्सट्रैक्ट जो भी उनका इंटरव्यू हुआ और मेरे व्यूज और मेरा ओपिनियन उनके बारे में। लेकिन उसके बाद खैर उनकी 25 जून को जो 40वीं एनिवर्सरी थी 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद की, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी बहुत बात की, और उस पे तो हम सभी को वाकई बहुत गर्व है, क्योंकि देखिए उस टाइम आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन वो मेरा मैच लाइव देखा हुआ था, और उस टूर्नामेंट में जो इंडियन टीम ने किया था वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और उसके बाद से जो क्रिकेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंडिया में, लुकआउट टूवर्ड्स क्रिकेट एज अ गेम एज अ प्रोफेशन फॉर अदर प्लेयर्स, इट वॉज ट्रेमेंडस। और आज हमारी टीम जो है उसका बहुत सारा क्रेडिट वर्ल्ड कप की उस जीत को है, और उसमें ये सारे प्लेयर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो टीम बिल्कुल एवरेज प्लेयर्स वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से इंडिया को जिताया है, तो इस सब की तो हमें बड़ी खुशी है, और इसी वजह से मेरा इन प्लेयर्स के ऊपर काफी रिस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए उस टाइम इन लोगों को पैसे भी नहीं मिलते थे, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, हालत ये थी कि इन लोगों के लिए तो शायद अपना एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और हर चीज के लिए इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिटरली भीख टाइप की मांगनी पड़ती थी। इनका डीए भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ करता था, उस टाइम के प्लेयर्स का जो डेडिकेशन था गेम के लिए और अपनी कंट्री के लिए वो बहुत बड़ा था, तो मैं हमेशा इस चीज का डिस्काउंट एक्स प्लेयर्स को जरूर देता हूं, और आजकल के प्लेयर्स उस लेवल तक अभी उनका डेडिकेशन ना तो कंट्री के लिए है और ना गेम के लिए है, तो मेरा तो यही है। अब आप लोग बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस इंटरव्यू में जो सुनील गावस्कर ने कहा और मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपको क्या लगता है? मैं सुनना पसंद करूंगा। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।